जो वीडियो है ये मैं स्पेशली छोटी डेयरीज के लिए बना रहा हूं, मिनी डेयरीज के लिए बना रहा हूं, जिससे वो सीखें कि मिल्क पाउडर का इस्तेमाल डेयरीज में क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और उससे आप अपनी डेयरी को अच्छे से प्रॉफिटेबल कैसे चला सकते हैं। तो अगर आपके भी सवाल हैं कि मिल्क पाउडर हम अपनी मिनी डेयरी के अंदर क्यों यूज करें, कैसे यूज करें, तो ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है अमरदीप सिंह चड्डा और मैं डायरेक्टर हूं चड्डा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड में। हम एक डेयरी एक्सप्लोरर प्रोग्राम भी चलाते हैं जहां स्पेशली मिनी डेयरीज या कोई भी लोग डेयरी लगाना चाहते हैं या जिनकी डेयरीज हैं भी, उनको हम एजुकेशन प्रोग्राम देते हैं डेयरी संचालन के लिए। तो अगर आपकी डेयरी है या आप डेयरी लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये चाहते हैं कि जब आप अपना दूध मिल्क को डिलीवर करें वो FSSAI के नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए, जो फूड एंड सेफ्टी एक्ट के हिसाब से मिल्क की स्टैंडर्डाइजेशन मानक तय किए हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। और जब जो आपके पास मिल्क कलेक्शन होकर आता है, कभी उसका फैट ऊपर हो सकता है, कभी नीचे हो सकता है, कभी SNF ज्यादा हो सकता है, कभी SNF कम हो सकता है। अब आपके पास अगर SNF दूध के अंदर कम है तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे, तो इसको कहते हैं मिल्क स्टैंडर्डाइजेशन। तो मिल्क स्टैंडर्डाइजेशन के काम ये मिल्क पाउडर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने दूध को FSSAI के हिसाब से स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। बहुत सी मिनी डेयरीज दही बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं और देखते हैं कि जो दही वो बनाते हैं उसकी कंसिस्टेंसी बढ़िया नहीं आती। तो दही की कंसिस्टेंसी बढ़िया बनाने के लिए भी SNF की जरूरत होती है, स्किम मिल्क पाउडर की जरूरत होती है। तो आप इस मिल्क पाउडर को यूज करके आप अच्छा क्वालिटी का दही भी बना सकते हो। अगर आप पनीर बना रहे हो, खोआ बना रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो और FSSAI के स्टैंडर्ड्स जो मानक सरकार ने तय किए हैं उसके हिसाब से अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बन रहा तो आप मिल्क पाउडर की मदद से आप उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हो। तो इसीलिए मिल्क पाउडर बहुत जरूरी है, उसको समझना, एक मिनी डेयरी को जानना कि वो उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो छोटी मात्रा में मिल्क पाउडर बहुत यूज होता है वो बेसिकली दूध की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज होता है। बेसिकली अगर SMP डालने से अगर आपका SNF मानक के हिसाब से आ जाता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारी छोटी डेयरीज इस मिल्क पाउडर को बेसिकली SNF को बढ़ाने के काम में लेती हैं। बहुत सारी डेयरीज ऐसी होती हैं जो दही बना रही होती हैं, वो काफी बल्क में पाउडर यूज करते हैं मिल्क के ऊपर SNF बढ़ा के उसका कर्ड बना के मार्केट में देते हैं। और जो बहुत बड़ी डेयरीज हैं वो मिल्क पाउडर से भी जब दूध की कमी होती है उसको वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क कहते हैं, उससे दूध बनाते हैं और उस मिल्क को मार्केट करते हैं। तो जब भी हम मिल्क पाउडर का यूज करना चाहेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगना चाहिए कि जो मिल्क पाउडर हम ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का भी है क्या नहीं। मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड हैं, मार्केट के अंदर बहुत सारी क्वालिटी के मिल्क पाउडर हैं, तो आप कैसे जानेंगे कौन सा मिल्क पाउडर आपको खरीदना चाहिए। तो ये चेक करने के लिए टोटल 5 टेस्ट हैं। बेसिकली हम हमारे डेयरी एक्सप्लोरर प्रोग्राम के अंदर बहुत डिटेल के अंदर इसके अंदर बताते हैं, मगर ये 5 टेस्ट कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला टेस्ट है अल्कोहल टेस्ट, दूसरा टेस्ट है एसिडिटी टेस्ट, तीसरा टेस्ट है सेडिमेंट एंड बर्न्ड पार्टिकल टेस्ट। तो पहले जो 2 टेस्ट बताए एसिडिटी और अल्कोहल के, उससे आपको पता लगेगा दूध की क्वालिटी से ये मिल्क पाउडर बना है उस दूध की क्वालिटी भी सही है क्या नहीं। अल्कोहल पॉजिटिव तो नहीं है, एसिडिटी हाई तो नहीं है, अगर हम उस पाउडर को दोबारा पानी में मिला के दूध बनाएंगे तो वो जल्दी खराब हो सकता है। जो बर्न पार्टिकल्स हैं या सेडिमेंट हैं उससे हमें ये पता लग सकता है कि इस मिल्क पाउडर के अंदर कुछ मिक्सिंग तो नहीं है, कुछ हार्ड पाउडर तो नहीं है, कुछ बर्न पार्टिकल्स तो नहीं है। कई बार मिल्क पाउडर बनता है और ओवर कुक्ड होने की वजह से बर्न हो जाता है, तो वो बर्न पार्टिकल्स भी मिल्क पाउडर के अंदर आ जाते हैं, जब हम उसका दूध बनाएंगे तब भी अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा। और जो 5वां है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 5वां टेस्ट है सॉल्युबिलिटी एंड डिस्पर्सिबिलिटी टेस्ट। तो एज पर FSSAI जो अच्छा पाउडर होता है उसकी सॉल्युबिलिटी 99.5% होती है। तो ये टेस्ट करना तो बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जो मिल्क पाउडर यूज करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उससे आपकी सॉल्युबिलिटी नहीं रहेगी। मतलब जो मिल्क पाउडर है वो जब आप उसको मिक्स करेंगे वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो ये जो छोटा सा टेस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको लाइव करके दिखाता हूं। तो अब हम करते हैं डिस्पर्सिबिलिटी टेस्ट। तो हमने क्या लिया, एक बीकर में गुनगुना पानी लिया, आप समझो 45 डिग्री 40 डिग्री का
पानी होना चाहिए और पाउडर एक चम्मच लिया हमने और हम इसको हल्के हल्के करके डालेंगे इसके अंदर। अब देखो पाउडर ऊपर नहीं रुक रहा और नीचे नीचे अपने आप जैसे ही डालते हैं अपने आप घुल के नीचे जा रहा है, पाउडर नीचे जा रहा है। अगर पाउडर अपने आप नीचे जा रहा हो तो इसका मतलब जो मिल्क पाउडर है उसकी डिस्पर्सिबिलिटी सही है। अब मैं आपको बताऊंगा सॉल्युबिलिटी कैसे चेक करनी है। सॉल्युबिलिटी का मतलब कि दूध बनाना है जो हमने जो उसके अंदर पाउडर डालेंगे वो अच्छे से घुल जाए, मिल जाए, कोई लम्प्स ना बने, कोई गाढ़े पदार्थ ना बने। तो हमने दूध का पाउडर लिया और सीधा उसके अंदर डाला और अच्छे से मिक्स किया। इसको अच्छे से मिक्स करना है, चाहे आप थोड़ा जोर से, बेसिकली अगर कैन में बना रहे हैं तो प्लंजर होता है, प्लंजर का इस्तेमाल करना है। आप इसको 5 से लेकर 10 मिनट तक भी अच्छे से घोल सकते हो। अब मैं इसको चेक करूंगा कि कोई लंप तो नहीं बने और अगर मैं देखूंगा तो ये बिल्कुल सही दूध है, पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है, कोई पाउडर के अंदर गांठे नहीं बनी। अगर मैं चेक करूंगा ये तो पूरा दूध जैसे दिख रहा है, तो इसका मतलब है मेरा पाउडर सही है और ये टेस्ट इसका पास है। तो आप भी जब भी कोई पाउडर लें अपनी मिनी डेयरी के अंदर, अपनी डेयरी के अंदर, तो इस तरह से आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको पहले टेस्ट बताया था सेडिमेंट टेस्ट या बर्नड पार्टिकल टेस्ट, तो वो भी बहुत सिंपल सा है। अब ये ग्लास का बीकर है, आप इसको ऊपर करके देखोगे और इसकी निचली सतह पे देखोगे कोई पाउडर या बर्नड पार्टिकल काला काला आपको अगर दिख रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर बर्नड पार्टिकल है। अदरवाइज अगर ये क्लीन है, साफ है, तो इसका मतलब आपका जो सेडिमेंट टेस्ट है वो भी पास है। और हम एक और टेस्ट भी कर सकते हैं, वो है टेस्ट का टेस्ट, वो तो हम आसानी से कर ही सकते हैं। तो जब आपका दूध तैयार हुआ आपने उसको टेस्ट किया, तो अगर टेस्ट बढ़िया है तो इसका मतलब पाउडर भी बढ़िया है, तो आपका टेस्ट भी पास हो गया। अगर इसके अंदर कोई ऑड फ्लेवर की स्मेल आ रही है या कोई पिंजन स्मेल है तो इसका मतलब मिल्क पाउडर पुराना हो चुका है या खराब पाउडर है। तो अगर टेस्ट अच्छा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि हम कितनी परसेंट के अंदर पाउडर डालेंगे दूध में या पानी में या जो भी हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूलाज हो सकते हैं, फर्मेंटेशन और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जो कि अभी डिटेल में बताना बहुत मुश्किल है। बट मैं आपको बता दूं, एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड और दूसरा होता है पियर्सन स्क्वायर मेथड। तो आपको पियर्सन स्क्वायर मेथड को अच्छे से समझना है और हमारा जो डेयरी एक्सप्लोरर का प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम ये पियर्सन स्क्वायर मेथड बहुत डिटेल में आपको समझाते हैं। अब ये जो पाउडर यूज करेंगे, बेसिकली हम SMP जो डालना है वो बेसिकली SNF बढ़ाने के लिए डालना है। तो अगर हम कर्ड बना रहे हैं तो उसका अलग फार्मूला होगा, पनीर बना रहे हैं तो उसका अलग फार्मूला होगा, खोआ बना रहे हैं तो अलग बना रहे हैं। अब दूध के अंदर अगर हम SNF डाल रहे हैं तो हम पहली बात कौन सा दूध बनाना चाहते हैं, क्या हम स्टैंडर्डाइज दूध बनाना चाहते हैं, क्या हम टोन दूध बनाना चाहते हैं, क्या हम डबल टोन दूध बनाना चाहते हैं, क्या हम काओ मिल्क बनाना चाहते हैं, क्या हम बफलो मिल्क के स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से बनाना चाहते हैं। तो ये सब FSSAI के एक स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हमारे को पालन करना है और एक ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है इस डेयरी बिजनेस में। तो ये सारा डिटेल में ये जो कैलकुलेशन है हमारे डेयरी एक्सप्लोरर प्रोग्राम के अंदर मिल जाएगी। और अगर कोई लोग डेयरी एक्सप्लोरर प्रोग्राम भी करना चाहें तो नीचे हुए लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं और उसके बारे में और भी जान सकते हैं। तो आप जो भी मिल्क पाउडर लें उसके पैकेट के अंदर सारी इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं कि कितना पाउडर, जो 1 kg पाउडर है उसके अंदर अगर आपने स्किम मिल्क बनाना है तो 10.5 liter बनेगा। तो बेसिकली ये सब इंस्ट्रक्शंस मिल्क पाउडर में दी गई होती हैं, वो आप देख के उसका इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर के अंदर 2 liter स्किम मिल्क पाउडर बना के दिखाता हूँ। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि आराम से दूध बनाने के लिए पानी और पाउडर से हम इजिली बना सकते हैं। तो आप देखिए, हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने पानी डाला और अब हम इसके अंदर आराम आराम से घोलते हुए हम मिल्क पाउडर डालेंगे। और आप देखिए, ये मिल्क पाउडर हम डाल रहे हैं
और टेम्परेचर से हमने चेक भी कर लिया है और ये टेम्परेचर जो दूध का बता रहा है, जो दूध तैयार हो रहा है वो अभी 40-42 डिग्री का है। तो आप देखिए कैसे आराम से ये जो मिल्क पाउडर है इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है और आराम से वो घुल रहा है। आप इसको प्लंजिंग करते रहिए, अभी तो हम एक सिर्फ स्टरर से इसको घुमा रहे हैं। अगर आप बड़े स्केल में काम कर रहे हैं तो आप एक कैन का प्लंजर होता है, ये कैन का प्लंजर कुछ इस तरह से दिखता है। इसको आप बेसिकली दूध के कैन लीजिए, उसके अंदर आप पानी डालिए, उसके अंदर पाउडर डालिए और प्लंजर से अच्छे से मिक्स कीजिए। और इसी तरह से आप दूध के अंदर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको पानी में करना है। अगर आपको दूध की SNF को बढ़ाना है तो सिर्फ आप दूध में ही डालेंगे, पानी में नहीं डालेंगे। और ये एक बेसिक तरीका मैं आपको बता रहा हूं आपको स्किम्ड मिल्क पाउडर बनाने का। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, अगर आपका थोड़ा बड़ा काम है तो हम आपको ये एक सिस्टम दे सकते हैं। आप देखिए इसके अंदर एक टैंक है, आप टैंक अपने हिसाब से ले सकते हैं, 100 लीटर, 200 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर, और एक फनल दी गई हुई है, इसके ऊपर आप पाउडर डालेंगे। और एक पंप है और ये पंप रीसर्कुलेशन के अंदर चलता है और रीसर्कुलेशन से चलने से जो पाउडर की मिक्सिंग जो है दूध के अंदर या पानी के अंदर बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर आपकी और भी बड़ी डेयरी है तो बेसिकली स्किम्ड मिल्क के ब्लेंडर्स आते हैं, वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। आप इस मशीन के अंदर देखिए एक फनल बनी हुई है, उस फनल में हम पाउडर डालते हैं और स्पेशल एक शियर पंप होता है जो बेसिकली मिल्क पाउडर मिक्सिंग के लिए ही होता है। तो ये भी रीसर्कुलेशन के अंदर काम करके आपका, अगर पानी के अंदर आप पाउडर मिक्स करना चाहते हैं या आप दूध के अंदर पाउडर मिक्स करना चाहते हैं तो ये आपकी उसके अंदर मदद करेगा। और इसके अंदर एक और खास बात है, अगर आप इसकी एक नीचे वेंचरी देखिए, ये वेंचरी इस तरह से डिजाइन होती है कि जब ये सक्शन करता है दूध को या लिक्विड को या पानी को तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उस वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर दूध में अच्छे से खुल के शियर पंप के थ्रू मिक्स होके आपके स्टोरेज टैंक में चला जाता है। तब आप उसको पैश्चराइज करते हैं, आप उसको प्रोसेस करते हैं, अगर कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बेसिकली आप अपने आगे दूध के काम में इसको ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो को अगर आपको लगे किसी और के भी काम आएगा तो आप उनके साथ, डेयरी भाइयों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और जानिए और भी डेयरी एक्सप्लोरर प्रोग्राम के बारे में, जिसके अंदर हम आपको डेयरी व्यवसाय की बहुत गहरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, एजुकेशन देते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आपका जो डेयरी व्यवसाय है किस तरह से सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल हो उसके बारे में हम आपसे डेयरी एक्सप्लोरर के अंदर आपको डिटेल में बताते हैं। तो अगर आप ये प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप जरूर इस दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और जानिए डेयरी एक्सप्लोरर प्रोग्राम के बारे में। If you find our video informative, then share this video, subscribe to our channel, and don't forget to press bell icon for regular updates on dairy equipment. If you have any queries, give us your comments below, and we will be happy to reply.